मालवा के एक पठार पर करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बना है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। 37 किलोमीटर की दूरी में बने कंगूरे, 12 प्रवेश द्वार, पवेलियंस, खूबसूरत खंभों वाले हॉल और जहाज महल जैसे आलीशान महल जो चारों तरफ से पानी से घिरा था, खूबसूरत हिंडोला महल जिसकी दीवारें तिरछी हैं और जिसके अंदर के ये खूबसूरत नजारे गवाह हैं कि यहां कभी रौनक रही होगी, ये जगह है मिथकों। और कल्पनाओं की मांडू, प्यार और पराजय की गाथा। मिथकों के मुताबिक करीब 450 साल पहले मालवा के आखिरी सुल्तान मियां बायजिद बाज बहादुर खां एक दिन शिकार पर निकले। वो संगीत और सुंदरता के दीवाने थे। उसी रोज उनकी मुलाकात उस हस्ती से हुई जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल दी, एक गडेरिये की बेटी रूपमती जो सुरों की मलिका थी। बाज बहादुर ने उसे देखा तो बस देखते ही रह गए। आखिर वो सुल्तान थे तो उन्होंने अपने तरीके से काम किया। उन्होंने रूपमती से शादी कर ली। जैसा अक्सर प्रेम कहानियों में होता है, सुल्तान ने भी अपनी जानशी बेगम के लिए कई महल बनवाए। इस दुर्ग में सबसे ऊंचाई पर बना है रानी रूपमती का पवेलियन। यहां से वो 350 मीटर नीचे नर्मदा घाटी को देख सकती थी। रानी रूपमती का यह खूबसूरत महल एक पहाड़ी के ऊपर बना है और यहाँ से आप चारों तरफ का शानदार नजारा देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद लगता है कि इतने साल पहले की उस प्रेम कहानी के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी। रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की प्रेम कहानी में इस पवेलियन की बड़ी अहम भूमिका है। रानी रूपमती ने सुल्तान से शादी ही इस शर्त पर की थी कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगी। रानी को महल में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो हर सुबह मां नर्मदा की पूजा कर सकें, और बाज बहादुर ने उनकी ये ख्वाहिश इस पवेलियन से पूरी की। रानी रूपमती के इस पवेलियन के ठीक सामने बना था बाज बहादुर का महल। इसे सन 1508 में मालवा के पिछले सुल्तान ने बनवाया था, मगर बाज बहादुर ने उसकी काया पलट दी और उसे अपना महल बना दिया। ये शानदार किला मुगल और राजपूत कला का बेजोड़ नमूना था, जिसके बीचों बीच था एक खूबसूरत तालाब। इसके उत्तरी बरामदों से दूर दूर तक जंगल, खेत और बाग नजर आते थे। दक्षिण में था रानी रूपमती का पवेलियन। यहीं परवान चढ़ी थी बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी रुकावटें तो आनी ही थी। मांडू पर मंडराया जंग का साया। मुगल बादशाह अकबर अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए इलाका दर इलाका कब्जा जमा रहा था और अब उसकी नजर थी बाज बहादुर के मालवा पर। मांडू छोड़ने से पहले बाज बहादुर रानी रूपमती से मिलने आए। प्रेम के इन पंछियों को कहां मालूम था कि ये इनका आखिरी मिलन है। बाज बहादुर जैसे राजाओं को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर कौन सा कहर टूटने वाला है। मुगल फौज उनके ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे वो इंसान नहीं गाजर मूली हो। बाज बहादुर जंग के लिए निकले तो रूपमती के दिल में उम्मीद थी और आंखों में इंतजार, क्योंकि उनका भविष्य
बाज बहादुर की जीत या हार से ही होने वाला था। सन 1561 मार्च के महीने में मांडू के खूबसूरत किले में कत्लेआम की चीखें गूंजने लगी। अकबर के सिपह सालार आदम खान ने बाज बहादुर की फौज को हरा दिया था। इसके बाद रानी रूपमती को पाने की कोशिश में वो मांडू पहुंच गया। शहर और शहर के लोग अब आदम खान के रहमो करम पर थे, मगर रानी रूपमती तो कुछ और ही सोच बैठी थी। उसके प्यार का अंत हो चुका था, उसके पास सिर्फ अस्मत बची थी, जान से प्यारी इज्जत। ये प्रेम कहानी अमर बन गई। रानी रूपमती आखिरी दम तक मांडू की रानी बनी रही। मालवा अब छिन चुका था, मगर वो जालिम आदम खान के हाथ नहीं लगना चाहती थी। रानी रूपमती के कक्ष में सन्नाटा पसरा था, लेकिन मिलने और बिछड़ने की इस प्रेम कथा की गूंज आज भी मांडू के किले में सुनाई देती है।